कम पढ़े लिखे और जरूरतमंदों के विकास को ध्यान में रखकर उन्हें पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट खोलने की सुविधा जनाधार संस्था द्वारा शुरू किए जाने से हजारों लोगों को लाभ हो रहा है। मेरे संस्था का एकमात्र उद्देश्य है जन जन तक ये सेवा पहुँचे, जो प्रधानमंत्री की आवास योजना है और जो भी गवर्नमेंट्स के रूल्स, जो भी नए नए स्कीम आती है वो आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती। हर कोई खुद के माध्यम से पैसे कमाने के चक्कर में यार लोगों तक कोई भी चीज़ें नहीं पहुंचती। मैं यही चाहता हूं कि मेरे संस्था के माध्यम से हर लोगों तक वो चीज़ पहुंचे। जैसे एक नॉर्मल और केवल आधार कार्ड है, वो हर किसी का अभी तक बना नहीं है। बहुत सारे लोगों का इतना प्रॉब्लम है कि वो आधार कार्ड बन नहीं पाता। तो मैं मेरी संस्था की तरफ से यही कोशिश कर रहा हूँ कि जन जन तक ये बात पहुँचे, वो आधार कार्ड से उनको लाभ मिले, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स आती है उन पे उनका फ़ायदा हो, और जैसे पैन कार्ड है, जैसे कंपलसरी किया हुआ है वो उनका बने, और गवर्नमेंट की जो लेडीज़ लोगों के लिए स्पेशली जो सेवाएँ अवेलेबल है, उपलब्ध है, जो उन तक नहीं पहुँच पाती, जैसे राजीव गांधी योजना है, जिनके हस्बैंड गुजर चुके हैं और जिनके पास कोई मुबदला नहीं मिल पाता है, वो मेरी संस्था प्रयास कर रही है कि उन तरफ पहुंच जाए और उनको कुछ ना कुछ एक वेतन गवर्नमेंट के तरफ से मैं चालू कर सकूं। बस यही प्रयास में मैं लगा हूं। मेरी संस्था जो है अभी तक 4 साल से इस सेवा में लगी हुई है। अभी तक कम से कम 5,000 घरों तक ये सेवा पहुँची हुई है। मेरा मेन उद्देश्य जो मेरा मेन रजिस्ट्रेशन है वो लातूर विभाग से है महाराष्ट्र के ऊपर। मैं हर महाराष्ट्र के हर जिले और हर गाँव में पहुँच के ये सभी जनताओं को लाभ देना चाहता हूँ। हर किसी को इस सेवा से मैं मुबलक कराना चाहता हूँ। जैसे हम लोग ने बहुत सारे अपंग व्यक्तियों को चेयर्स वगैरह दिए हैं, जैसे जो विधवा महिला है उनके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट के सेवाएं उपलब्ध करवा के दिए हैं। बहुत सारे हम लोग वर्किंग करना चाहते हैं और भी कोशिश कर रहे हैं कि खुद से हो, गवर्नमेंट से हो या कोई प्राइवेट सेक्टर से हो, हर जन और हर माध्यम की तरफ से हम सेवाएँ पहुँचाएँ और उनको मदद उपलब्ध करवाएँ। मेरा मुख्य कार्यालय लातूर में है क्योंकि वहाँ से रजिस्टर्ड है, और सेकंड मैंने एक छोटा सा यूनिट यहाँ पे चालू किया है, और एक जनाधार फाउंडेशन करके है मेरे दोस्तों की, उनके माध्यम से मैं ये सेवाएँ उपलब्ध करवा रहा हूँ। मेरा जो एजुकेशन ट्रस्ट है उससे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो एजुकेशन से पीड़ित है, जिनको शिक्षण माध्यम नहीं मिल पा रहा है, उनकी तरफ मैं पहुँचाऊँ और वो हर एजुकेशन के यहाँ से आगे बढ़ते रहे। उस वाक्य का यही महत्वपूर्ण है कि हर कोई फैमिली मेंबर्स में, रिलेटिव में, अभी जो भी गवर्नमेंट सेवा उपलब्ध होती है पहले क्या करते हैं, हम अपने घर में भरते और हमारे रिलेटिव है, हमारे ये है, हमारे वो है। इसमें क्या होता है कि आम पब्लिक तक तो कोई बात पहुंचती नहीं और उनको ये सेवाएं मिल ही नहीं पाती। इसके लिए कि हम जो लोगों तक नहीं पहुँच सकता वो हम पहुँचाएंगे, जो किसी ये खुद के लिए है पर हम दूसरों के लिए हैं। ये वो महिला है, वो पीड़ित महिला है जिनको अभी तक घर रहने के लिए नहीं है, सालों से यहाँ पर रह रहे हैं पर अभी तक उनका खुद का घर नहीं हो पा रहा है। अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना ने जो स्कीम चालू की है हम लोग उन तक पहुंचा रहे हैं, और पैन कार्ड, आधार कार्ड जो कोई सेवा उपलब्ध नहीं कर पा रही, बाहर मार्केट में बहुत सारे चीज़ों पे अफरा दफरी हो रही है, पैसों की मांग हो रही है, तो उन सब से वो बचे। जो गरीब है, जो 100 रुपये रोज कमा के खाते हैं, जिनका घर चलता है, वो बाहर आधार कार्ड पैन कार्ड के लिए लाखों हज़ारों रुपये कहाँ से देंगे। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की सारी सेवाएँ डायरेक्ट उपलब्ध कराई जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। केम्बूर कैंप के RCF गेट नंबर 3 के पास शुरू किए गए संस्था के संचालक का मुख्य उद्देश्य यह है कि जरूरतमंदों का विकास ज्यादा से ज्यादा हो और वह भी बिना पैसे खर्च किए। आम्ही तो पिन कार्ड बनवून घेतले, घराचे फॉर्म भरून घेतले, आधार कार्ड बनवून घेतले, इथे तिथे आम्ही लोक फिरत होते, पण आता इथे आल्यानंतर आम्हाला ते बनवून द्यायला लागले। नाही माहिती होतं, आम्ही गे आमचे इथं 2-3 ठिकाणी गेलो पण नाही बनवून दिलं, इथं आल्यावर बनवून दिलं। तेच आम्ही आधार कार्ड काढे, पॅन कार्ड काढे, फॉर्म भरलेत घराचे, आम्ही मजुरी करून खात होतो, भांड्याचं काम करतो आम्ही, आम्हाला घरं नाही, भाड्याने राहतो आम्ही, 4-5 हजार रुपये भाडा भरावं लागते आम्हाला। इथं जा आम्ही कुठे बी जात होतो, येड्यासारखं कुठे बी पळत होतो, आम्हाला काही माहीत पडत नाही, लोकांनी आम्हाला सांगितलं म्हणून इथं फॉर्म भरलो। इसी तरह देश भर में यदि संस्थाएं शुरू होती रही तो सचमुच इन गरीब बेसहारा लोगों को एक सहारा मिल जाएगा। कैमरामैन आनंद गौड़ के साथ सपना पांडे, CEN News, मुंबई।